जारी मंदी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। रायपुर के मोतीबाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोला। धरना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। कांग्रेस मंदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रायपुर में मोतीबाग पर यह प्रदर्शन हो रहा है। देश में छाई मंदी के खिलाफ तमाम कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जो रायपुर से जुड़े हुए हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। मेयर प्रमोद दुबे हैं, वरलियानी जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। प्रमोद दुबे जी, आज तो खुशी का मौका है, पार्टी ने चित्रकूट चुनाव जीत लिया, हरियाणा में सरकार बनती हुई नजर आ रही है और आप धरना कर रहे हैं, आज पटाखे फोड़ने का दिन है? दोनों के दिन है, देश पहले है, राज्य बाद में है। देश में जिस आर्थिक संकट का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, जब संकट की घड़ी आती है तो कांग्रेस के लोग ही सड़क में आते हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात भी है और कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय भी है। कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। वरलियानी जी, एक चीज ये बताइएगा कि ये क्या एजेंडा है, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह का ये आयोजन है पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे देश हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आर्थिक बदहाली को लेकर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन है। आप देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पूरा देश मंदी से त्रस्त है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर। इसीलिए हम ध्यान, लेकिन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारी